हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर राजीव गुप्ता। आई एम टेकिंग अ लेक्चर सीरीज ऑन द टॉपिक ऑफ पेपर सॉल्यूशंस ऑफ सेमेस्टर वन, एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर वन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर विच हैज़ पेपर कोड PS01CCHE22। This is the 2019 regular paper of Sardar Patel University. Now the first MCQ question is, the following structure has, fill in the blank, number of stereogenic center. तो इसके अंदर हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 3, 4 and 5। तो इस दिए गए अणु में, इस दिए गए मॉलिक्यूल में या इस दिए गए स्ट्रक्चर में हमको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर फाइंड आउट करने हैं। हमें पता होना चाहिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन बोलें, अ स्टीरियोजेनिक सेंटर इज अ साइट इन अ मॉलिक्यूल और अ कार्बन एटम और एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल एट विच If we interchange any two groups, it could give a new stereoisomer. That atom or that site is called stereogenic center. तो इस मॉलिक्यूल में हमको पता करना है कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन कौन से हो सकते हैं। अब हमको पता है कि स्टीरियो के अंतर्गत ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों टाइप के आइसोमर्स उसमें कंसिडर होते हैं, जो कि हम नए स्टीरियो आइसोमर्स यहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टीरियो, या तो जैसा कि इस कंपाउंड में हम देख सकते हैं, कोई डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड कार्बन एटम्स, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या सिन एंटी टाइप का आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं, तो वो यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकते हैं। या फिर इसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर ऐसा भी हो सकता है जो किरल सेंटर हो, जिसमें कार्बन अणु से जुड़े चारों की चारों ग्रुप डिफरेंट टाइप के हों। तो सबसे पहले हम एक किरल कार्बन ही देख लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में वो किरल कार्बन अपने आप में ही एक स्टीरियोजेनिक सेंटर भी होगा। तो देखिए, इस अणु में कितने टेट्राहेड्रल कार्बन हैं जो किरल कार्बन जैसा बिहेवियर दिखा सकते हैं। ये कार्बन टेट्राहेड्रल हैं, बट दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं। नाउ दीज ऑल कार्बन्स आर sp2 कार्बन्स। नाउ दिस कार्बन इज sp3 कार्बन, विच इज टेट्राहेड्रल कार्बन। और देखिए, इससे जुड़े हुए चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, देन दिस कंप्लीट ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एट डैश इज ऑल्सो प्रेजेंट विच इज डिफरेंट। So all the four groups are different. So this carbon is a chiral carbon, and we know that all chiral carbons, all chirogenic centers are also stereogenic center. तो हमको एक stereogenic center तो मिल गया यहाँ पर। अब हमको chiral centers तो almost complete हो गए, अब हम ध्यान देते हैं double bonds पर। तो हमारे पास यहाँ दो double bonds हैं, एक ये है और एक दूसरा ये double bond। सबसे पहले आप इस डबल बॉन्ड को देखिए, इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स सेम हैं। इस सिंगल कार्बन एटम से जुड़े हुए दोनों मिथाइल ग्रुप्स हैं, यानी कि अगर हम इनमें कोई इंटरचेंज करें इस कार्बन एटम पर, तो यहाँ पर कोई हमको नया स्टीरियो आइसोमर, कोई भी नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिलेगा। मीन्स ये डबल बॉन्ड हमको यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, मतलब इससे बॉन्डेड ये दोनों कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड दोनों कार्बन एटम्स यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होंगे। इसके बाद में इन दोनों कार्बन एटम्स को देखिए जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, यहाँ पर इसके साथ में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अभी आप देखिए, ये दोनों की दोनों हाइड्रोजन अभी ट्रांस मैनर में अरेंज्ड हैं, ठीक है ना, ट्रांस पोजिशन पर हैं। मीन्स दिस डबल बॉन्ड इज अ ट्रांस डबल बॉन्ड। तो अगर हम इसमें इन दो ग्रुप्स को इंटरचेंज करेंगे, तो हमको यहाँ पर सिस आइसोमर मिलेगा। ट्रांस और सिस आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके लिए पॉसिबल है। तो ये दोनों की दोनों कार्बन एटम यहाँ पर
स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, लेकिन ये काइरोजेनिक नहीं है, क्योंकि काइरोजेनिक ओनली टेट्राहेड्रल कार्बन होता है। दीज बोथ आर स्टीरियोजेनिक। तो हमारे पास कितने आए? दो। बाकी अब इसके अलावा इसमें और कोई भी स्टीरियोजेनिक सेंटर पॉसिबल नहीं है, तो टोटल हमारे पास आएंगे तीन। तो हमारा आंसर दैट इज थ्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स 1, 2, 4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर हमको ये चार एरोमेटिक कंपाउंड्स दिए गए हैं। चारों में जो बेसिक स्केल्टन है वो बेंजीन रिंग है। तो सेकंड नंबर कंपाउंड जो है वो ओनली प्योर बेंजीन है, और बाकी कंपाउंड्स में बेंजीन के ऊपर एक ना एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच, जैसे इसमें ब्रोमीन है, इसमें नाइट्रो ग्रुप है और इसमें मिथाइल ग्रुप। सो इन सभी की हमको रिएक्टिविटी देखनी है टुवार्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और हमको पता है कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो उनके लिए वेल नोन रिएक्शंस हैं दैट आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो इनमें से इनको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब लोवेस्ट रिएक्टिविटी लेवल से हाईएस्ट रिएक्टिविटी लेवल तक। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग के ऊपर, उनका कौन सा डायरेक्टिंग इफेक्ट है, उनका कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, वो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल, ओके, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर कि एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग, ओके, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन बेंजीन रिंग एट एनी पोजिशन। If we choose benzene, that any position, all positions are same, but in case of mono-substituted benzene, ortho, meta, para, three types of positions are available, and this electrophile may attack at any carbon atom of benzene ring. So this is electrophilic aromatic substitution, and after this attack, after this addition, one hydrogen atom from this benzene ring removes as H+. So this is electrophilic aromatic substitution. So this electrophile will prefer that benzene ring which contains more electron density or which is more electron rich. It will preferably choose that benzene ring which contains more electron density. So if we compare these all substituents, then some groups have electron donating nature which increases the electron density inside the benzene ring, and electron withdrawing groups which pulls out the electron density from benzene ring makes it electron deficient. So obviously we have to check the inductive effect or resonance effects in these structures. So first of all, see benzene here, no substituent is attached, so we can compare these substituents, bromine and nitro. Both groups are electron withdrawing groups because of their high electronegativity, and methyl group shows plus I effect compared to this benzene ring. It shows plus I effect, and bromine and nitro group shows minus I effect. And we know that this methyl group is ortho para directing, this bromine is ortho para directing, and nitro is meta directing. So obviously if we compare these structures, so this structure, this toluene, will have the highest reactivity towards electrophilic aromatic substitution reaction. So the fourth option, we can see this fourth at highest number, highest, this highest. So these three options could be correct. Now if we compare this bromine and nitro group, we know that the electronegativity, or we can say the electron withdrawing power of nitro group, is very high compared to bromine. So it will pull out the electron density compared to this bromobenzene. So it is least reactive towards aromatic electrophilic substitution. So first number, this is least reactive. So uh
दिस थर्ड एक्चुअली दिस थर्ड ओके थर्ड नॉट फर्स्ट दट दिस थर्ड. सो ऑब्वियसली इफ वी सी दिस डाटा वी कैन करेक्ट दिस सेकेंड ऑप्शन. नाउ हाउ वी कैन अरेंज दिस, द मोस्ट रिएक्टिव इज फोर्थ नंबर दैट इज टॉलुइन, देन द रिएक्टिविटी इज फॉर बेंजीन दैट सेकेंड नंबर बिकॉज इट हैज़ नो सब्स्टिट्यूएंट. नाउ द नंबर कम टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स नाइट्रो एंड ब्रोमीन. ऑब्वियसली ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन दिस नाइट्रो कंटेनिंग दिस बेंजीन रिंग. सो इट गोज टू दिस फर्स्ट हियर एंड द लास्ट वन इज थर्ड. 3, 1, 2, 4 दो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट. यहाँ पर ऑप्शन टू यहाँ पर करेक्ट होगा. तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा. मीन्स टॉलुइन जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और नाइट्रोबेंजीन सबसे कम रिएक्टिव है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोजन्स एक्सर्ट फिल इन द ब्लैंक. फर्स्ट ऑप्शन इज डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट एंड आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. एक्टिवेटिंग इफेक्ट एंड आर मेटा डायरेक्टिंग. एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट एंड आर मेटा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग इफेक्ट एंड आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. सो अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स वेयर हैलोजन्स आर प्रेजेंट एज सब्स्टिट्यूएंट. सो वी नो दैट हैलोजन्स आर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन. सो दीज सब्स्टिट्यूएंट्स नेचर इज दीज शोज माइनस इंडक्टिव इफेक्ट. मीन्स दीज पुल्स आउट द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग, बट दीज कंटेन्स लॉन पेयर्स ओवर इट. ऑल द फोर हैलोजन्स ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन फ्लोरीन ऑल कंटेन्स lone pairs over them, and these lone pairs could go inside the ring in conjugation. Okay, so suppose I am taking an example of suppose chlorobenzene. So obviously chlorine atom has minus I effect. Okay, all these are have minus I effect, minus inductive effect, where these atoms pull out electron density, sigma electron density from the benzene ring and deactivates the benzene ring. Okay, deactivates the benzene ring towards aromatic electrophilic substitution. So here deactivating and deactivating, these two options could be correct. Okay, deactivating and deactivating. Now second option we have to, second point we have to see that it could be ortho para directing or meta directing. A substituent could be meta directing or it could be ortho para directing. So this directing nature depends on the resonance effect. That resonance effect is plus R effect or minus R effect. If it is plus R effect, then the substituent gives its lone pairs towards the benzene ring, and if it is minus R, then this pi electron density of benzene ring goes out to the substituent. So here in the halogens, these lone pairs could go inside the conjugation, inside the benzene ring like this. I am showing the movement of electrons. These lone pair electrons of chlorine atom goes to inside the ring, and these pi electrons goes to this side. So here obviously at ortho position, because we know that this is ortho position, we get partial negative charge. Now this electron we can move like this. Now we get negative charge on para position. Now in the third resonating structures, if we draw their resonating structures, then we could see these things where the ortho position and para position will get negative charge. And we know that the electrophile
विच कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज जनरली, विच इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीसीज और कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से अ कैटायन विच इज इलेक्ट्रोफाइल, इट अटैक्स ऑन मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स, ओके, मोर इलेक्ट्रॉन रिच साइट्स ओवर द मेंजीन रिंग. सो ऑब्वियसली इट मे अटैक ऑन पैरा पोजिशन और ऑर्थो पोजिशन. सो दिस हेलोजन एटम विल डायरेक्ट दिस इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. सो इट इज ऑब्वियसली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग. सो अवर ऑप्शन वन इज करेक्ट. नाउ द शॉर्ट क्वेश्चंस. इन शॉर्ट क्वेश्चंस वी हैव टू गिव आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर इन फ्यू लाइन्स और अ पैराग्राफ, नॉट अ लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एनिलीन कन्वर्ट्स इंटू पैरानाइट्रो एनिलीन. सो हाउ दिस रिएक्शन अकर्स, विच रिएजेंट कुड बी यूज, वॉट रिएक्शन कंडीशंस कुड बी यूज, एंड वॉट इज द नेम रिएक्शन, वॉट इज द रिएक्शन नेम ऑफ दिस गिवन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. हाउ दिस रिएक्टेंट तो इस रिएक्शन का नेम क्या होगा, कौन सा मैकेनिज्म काम करेगा, वो हमको इसमें बताना है. तो देखिए यहाँ पर एनिलीन का क्या हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है और पैरा पोजिशन पर नाइट्रो ग्रुप का एडिशन हो रहा है. और हमको ये क्लियरली पता होना चाहिए कि इस तरह से अगर एरोमेटिक रिंग पर कोई सब्सिट्यूएंट आके अटैच हो रहा है तो ज़्यादातर ये रिएक्शंस एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. और जनरली बेंजीन रिंग पर नाइट्रेशन जब देखा जाता है, नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन हमेशा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होगा जिसमें NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा बेंजीन रिंग पर. ओके, तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पैरा नाइट्रो एनिलीन बन सकता है, ऑर्थो बन सकता है और पैरा मेटा भी बन सकता है, क्योंकि तीन पोजीशंस अवेलेबल हैं, ऑर्थो मेटा एंड पैरा. लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट में ओनली पैरा नाइट्रो एनिलीन क्यों दिखाया गया है, तो ये भी हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा. लेकिन उससे पहले हम रिएजेंट देख लेते हैं कि ये वाली रिएक्शन में जनरली जो रिएजेंट यूज़ होता है दैट इज़ कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4. यहाँ पे H2SO4 जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करता है और HNO3 के द्वारा नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस आयन जनरेट करता है. अब देखिए ये जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम में हो रही है, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक मीडियम में हो रही है. और इस एसिडिक मीडियम में ये जो एनिलीन है वो एनिलीन फॉर्म में न रहकर एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी कि क्योंकि हमको पता है कि एनिलीन एक बेस है, तो दिस बेस शोज एसिड बेस रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ में एसिड बेस रिएक्शन करके ये NH3+ यानी एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा. एनिलीनियम आयन का आप देखिए, सबसे पहले आप एनिलीन को कंसिडर कीजिए, नाइट्रोजन के ऊपर एक लॉन पेयर है और ये लॉन पेयर जो है वो यहाँ कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. तो उसके हिसाब से अगर हम एनिलीन में एमिनो ग्रुप को देखें तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. ओके, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग अकॉर्डिंग टू प्लस आर इफेक्ट, प्लस रेजोनेंस इफेक्ट. ओके, लेकिन जब हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं वेरी एसिडिक मीडियम तो ये NH2 NH3+ में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये यहाँ पर जो लॉन पेयर अवेलेबल था वो अब नॉट अवेलेबल हो गया. ओके, अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी नहीं है. दूसरी बात, जो NH3+ सब्सिट्यूएंट है, ओके, NH3+ सब्सिट्यूएंट, वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी, यानी वो माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा और उसमें प्लस आर और माइनस आर तरह का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओनली माइनस आई स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाएगा. उस माइनस आई इफेक्ट के कारण जो ऑर्थो पोजीशंस पे कार्बन एटम्स हैं उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगी. उसके बाद में मेटा पोजीशन से उससे कम होगी और पैरा पोजीशन पे उससे कम, मीन्स पैरा पोजीशन विल बी मोर इलेक्ट्रॉन रिच कंपेयर टू मेटा पोजीशंस एंड ऑर्थो पोजीशन. सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल
जो कि एनओ टू प्लस है, यहाँ पर एनओ टू प्लस है, वो पैरा पोजिशन पर प्रिफ्रेंशली अटैक करेगा और पैरा प्रोडक्ट हमको यहाँ पर एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, तो ड्यू टू दिस माइनस आई इफेक्ट इट इज एक्चुअली हियर वी गेट ओनली पैरा प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट। ओके, नॉट ऑर्थो नॉट मेटा ओनली पैरा प्रोडक्ट। सो दिस इज अ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन विच इज अ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वेयर नाइट्रो ग्रुप सब्सटीट्यूट्स हाइड्रोजन फ्रॉम दिस साइट फ्रॉम दिस पैरासाइट। ओके, नाउ नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन। इन दिस लॉन्ग क्वेश्चंस वी हैव टू राइट आंसर्स विद डिटेल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई द फॉलोइंग, हमको इनको एक्सप्लेन करना है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग टू किरल कॉन्फर्मेशंस नॉर्मल ब्यूटेन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, कि नॉर्मल ब्यूटेन के अगर हम कॉन्फर्मेशंस देखें तो बहुत सारे कॉन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। जैसे मैं कुछ कॉन्फर्मेशंस के नाम बताता हूँ आपको, स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन, इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन, और उनके बीच में हम डायहेड्रल एंगल चेंज करके देखते हैं तो गॉशे कॉन्फर्मेशन। तो इस तरह से कई सारे कॉन्फर्मेशन पॉसिबल होते हैं, और उसके अंदर भी क्लाइन पिलॉक टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत और भी कई टाइप के हम नाम बताते हैं कॉन्फर्मेशंस के। तो उन कॉन्फर्मेशंस में दो कॉन्फर्मेशंस ऐसे हैं जो कि किरैल हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि किरैल कॉन्फर्मेशन का क्या मीनिंग है, यानी किरैल का क्या मीनिंग है, मतलब उन कॉन्फर्मेशंस में कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो किरैल कॉन्फर्मेशंस हैं। लेकिन जो नॉर्मल ब्यूटेन होता है वो एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो हमको ये एक्सप्लेन करना है कि ये दो किरैल कॉन्फर्मेशंस रखता है, नॉर्मल ब्यूटेन में दो दो किरैल कॉन्फर्मेशंस हैं, यानी दो दो किरैल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब प्लेन पॉलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता। ओके, तो एंगल ऑफ रोटेशन इसमें जीरो मिलता है, सो इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ से ही मैं अगले नेक्स्ट पार्ट होगा जो इस लेक्चर का, उसमें मैं कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस पार्ट ऑफ दिस लेक्चर सीरीज़।